हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, अक्सर कर हमारे घर में हम चावल बनाते हैं तो थोड़े बहुत बच ही जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बचे हुए चावलों के साथ कैसे एक बहुत ही टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी बना सकते हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इसके लिए हमारे को सामान की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये एक कटोरी हमारे बचे हुए चावल हैं, एक ही कटोरी उतने ही नाप का जो पोहा होता है, चिड़वा होता है, उसको भी धो करके हमने ले लिया है। आधा चम्मच जीरा, एक छोटी बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटा प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च, आवश्यकता अनुसार नमक, लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा। तो अब हम इन दोनों को, चावल और पोहा को, थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे और इनका एक गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारा ऐसे इस थोड़े से पानी के साथ हमने ऐसे एक गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, और ये आधा पैकेट हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और इसमें ये हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हरी मिर्च और धनिया भी ऑलरेडी इसमें डालेंगे। ये हम इसमें बारीक कटा धनिया और हरी मिर्च, ये शिमला मिर्च एक, और ये एक बारीक कटा प्याज। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। आप इसको बच्चों को जैसे कि टिफिन में भी दे सकते हैं या किसी भी समय, जैसे स्नैक, अगर अचानक घर में शाम को कुछ खाने का मन कर गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही ये एकदम टेस्टी से हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। ये देखिए, ये ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसको हम एक से दो मिनट बस छोड़ देंगे और अब हम उधर से अपना पैन गरम करते हैं और इनको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने नॉनस्टिक पैन ले लिया है, ये हमारा पैन गरम हो गया है। हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस बैटर को ऐसे फैला देंगे। और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ढक करके कवर कर देंगे धीमी आंच पर। ये धीरे धीरे नीचे से पकता रहेगा। ये देखिए, ये अब हमारा नीचे से पक गया है। अब हम इसको ऐसे उठा करके और फ्लिप कर देंगे और ऐसे दूसरी तरफ भी हम इसको 2-3 मिनट ढक करके सेक लेंगे। तो ये अब हमारा दूसरी तरफ से भी पक गया है। ये देखिए, एकदम बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी से हमारे ये स्नैक बनकर के तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारा बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी सा जल्दी से बन कर तैयार हो गया है स्नैक। आशा करती हूँ आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करेंगे और आपको ये, अगर आप जब ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।